क्लास एट, ये वीडियो फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स का नेक्स्ट पार्ट है। और इसमें हम लोग जो लास्ट दिन किए थे, मैं बता दूं, हम लोग किए थे डेंसिटी का मतलब। उसके बाद शायद ये शायद थर्ड पार्ट होगा आज, तो डेंसिटी के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग कर रहे थे डेंसिटी ऑफ सॉलिड कैसे निकाला, नहीं सेकेंड ही पार्ट होगा। उसके बाद डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैसे निकाला, रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकाला जाता है, उसके यूनिट क्या होता है, और डेंसिटी और क्या रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़े थे। हाँ, हम लोग आज यहाँ से पढ़ने वाले हैं। अच्छा, कभी कभार रिलेटिव डेंसिटी कोई लिक्विड का भी निकाला जाता है, मतलब कोई लिक्विड है, ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे हाथ में है केरोसिन ऑयल है, केरोसिन ऑयल है। अब इस केरोसिन ऑयल को मैं बोला इसका बता दो डेंसिटी क्या है, तो कुछ तो यंत्र होगा जिससे तुम निकाल सकते हो इसका डेंसिटी, तो वो यंत्र का नाम है हाइड्रोमीटर। समझ गए, हाइड्रोमीटर माने लिक्विड का डेंसिटी। एक्चुअली ये तो वाटर का डेंसिटी मापने के लिए स्टार्ट हुआ था, इसलिए हाइड्रो नाम था। बाद में हर लिक्विड का डेंसिटी माप सकता है ये, ठीक है। अब जितना भी ये डिवाइस है, हाइड्रोमीटर बहुत टाइप का होता है, एक टाइप का हाइड्रोमीटर होता है जो सिर्फ मिल्क का डेंसिटी मापता है। मिल्क अगर है तो मिल्क का डेंसिटी मापने वाला जो हाइड्रोमीटर होता है उसका अलग नाम पड़ गया है। ये हाइड्रोमीटर ही हम क्या बोले थे, हाइड्रोमीटर माने कोई भी लिक्विड का डेंसिटी माप सकता है, कोई भी लिक्विड का, ठीक है, लिक्विड का डेंसिटी मापता है। पर एक स्पेशल हाइड्रोमीटर है हाइड्रोमीटर ही, बस खाली दूध के लिए करता है ना, इसलिए इसका अलग सा नाम पड़ गया, लैक्टो, लैक्टोजन, लैक्टोज नाम सुने हो गया, तो लैक्टिक एसिड ऐसे सुने हो गए सब, लैक्टोबैसिलस दूध में रहता है, दही में रहता है, सॉरी। तो लैक्टोमीटर इज द नेम गिवन टू द हाइड्रोमीटर विच इज यूज टू मेजर द डेंसिटी, या एक्चुअली कहना चाहिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, हम लोग डेंसिटी नहीं कहेंगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क। अब बोलोगे सर डेंसिटी क्यों नहीं कह रहे, रिलेटिव डेंसिटी क्यों कह रहे, मतलब दोनों सेम ही, पर रिलेटिव डेंसिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ वाटर। ये अच्छा वे होता है कहने का, लेकिन ना बुक में मैक्सिमम जगह में रिलेटिव डेंसिटी लिखा रहेगा, मतलब वो ये डेंसिटी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर क्या हुआ, कोई भी लिक्विड का डेंसिटी मापने के लिए। इलेक्ट्रोमीटर वो एक स्पेशल टाइप का हाइड्रोमीटर होता है जो सिर्फ दूध का डेंसिटी मापने के लिए होता है। बस समझ में आ गया बात, ओके। अब बढ़ते हैं आगे का, बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंकिंग एंड फ्लोटिंग के बारे में। अच्छा, सिंकिंग एंड फ्लोटिंग बहुत वैसे सीख सकते हो तुम लोग, समझ सकते हो, पर पहले मैं इसके बताने से पहले पहले एक बार याद दिला तुम लोग को, मैं बताया था डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, याद होगा ना। अगर वॉल्यूम बढ़ा डेंसिटी क्या होगा, कम जाएगा। हम लोग देखना डेंसिटी वॉल्यूम लगी वजह से बात होगा यहाँ पे अभी, अगर वॉल्यूम कम गया डेंसिटी बढ़ जाएगा, ओके। अब होता क्या है, बात करते हैं सिंकिंग एंड फ्लोटिंग के बारे में। कौन चीज़ सिंक, सिंक में डूब जाना, और कौन चीज़ तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है, कौन सा चीज़। देखो जैसे मान लो ये एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी था, ठीक है, और पानी में मैं एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, रख दिया ना, ये तैर ऊपर में फ्लोट कर रहा। अब एक बार पत्थर डाला, पत्थर डाला, पत्थर पूरा नीचे में पूरा डूब गया, अब नीचे में डूब गया पूरा, तो पत्थर क्यों डूब गया, ये क्यों नहीं डूबा, क्योंकि आप आंसर सुनो, अच्छा सुनो, यही बात बताना है हमको, क्योंकि वुड का जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी का मतलब तुम्हें पता ही होगा कितना मॉल कुछ ठूसा हुआ है, वुड जानते हो, पत्थर में और वुड में, वुड में कम मॉलिक्यूल्स होगा, इसलिए सर डेंसिटी कम है, इसमें ठूस ठूस के मॉलिक्यूल बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी, ठीक है। तो इसका डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी से कम होने के कारण ये फ्लोट करेगा, और जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिस लिक्विड में तुम डाल रहे हो, तो ये डूब जाएगा। फिर से बता रहा हूँ मैं, जैसे मान लो एल्युमिनियम है, ठीक है, एल्युमिनियम का कोई चीज़ ले लो, एल्युमिनियम तुम पानी में लोगे ना, एल्युमिनियम को पानी में, तो ना डूब जाएगा, पटाख से डूब जाएगा। लेकिन यही जो एल्युमिनियम तो तुम अगर मरकरी में लोगे, बड़ा तैरेगा, ऊपरे में तैरेगा, तो ऐसा क्यों हुआ। तो हम लोग को देखना किसका डेंसिटी किससे ज़्यादा है। देखो पानी का डेंसिटी और एल्युमिनियम का डेंसिटी में देखा जाए तो एल्युमिनियम का डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा होने के कारण वो डूब गया पानी का डेंसिटी, पर यहाँ पे जो मरकरी का यूज़ किया गया तो एल्युमिनियम मरकरी में मरकरी का ही डेंसिटी ज़्यादा है, एल्युमिनियम का कम, इसीलिए एल्युमिनियम तैर गया। याद रखना जो जिसका डेंसिटी कम होगा उस लिक्विड से, लिक्विड या बोलना वाटर मत बोलना, ठीक है, क्योंकि हर लिक्विड में अलग अलग होता है डेंसिटी,
तो मैं फिर से समझाना चाह रहा हूँ एक बार और। जैसे मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका अगर डेंसिटी कम हुआ देन द लिक्विड तो ये फ्लोट करेगा, इसका डेंसिटी ज़्यादा हुआ लिक्विड डेंसिटी ये डूब जाएगा। ये है क्लियर कट बात, समझ गए बात, एकदम ईजी वे है। बहुत बुक में कुछ और भी वैसे लिखाया हुआ है, डिस्प्लेस्ड अमाउंट, वो सब हायर क्लास का है। फिलहाल तुम शॉर्टकट में समझो ये चीज़, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से लेके बात और भी बहुत सारा है कि क्यों ये फ्लोट करता है, क्यों ये डूब जाता है। बात बाकी कोई कहानी वही है। जैसे मान लो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पानी में ना आइस, आइस देखो, आइस अगर दोगे ना तो आइस फ्लोट करता है, आइस फ्लोट करता है। जैसे आइस फ्लोट क्यों करता है, क्योंकि आइस देखो वाटर का ही फॉर्म है आइस, और गैस भी, ये जो क्या बोलते हैं इसको, वेपर, वो भी वाटर का ही फॉर्म है। तीनों वाटर का ही फॉर्म है, पर सबका डेंसिटी अलग अलग है। इसका डेंसिटी है कितना, वाटर का, वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 होता है इसका वैल्यू। क्योंकि तुमको पता नहीं ये इसका, आइस का पता क्या है, थोड़ा सा कम होता है, कम होता है इसीलिए फ्लोट करता है। कितना होता है पता है, ये होता है 0.9 समथिंग, 9291 ऐसे कुछ होता है, ठीक है, 0.9 समझ लो इसका डेंसिटी 0.9। देखो यहाँ पर 1 है, 0.9 कुछ कम है, कम होने के कारण ये फ्लोट करता है। जानते हो वेपर का और भी कम होता है, वेपर का तो बाप रे बाप 0.0006 इतना और कम होता है, तो वो और फ्लोट करेगा, समझ गया बात। ये एयर में भी होता है, एयर में भी जो एयर जो माने जो गैसेस, ठीक है, जो गैसेस हल्का होगा वो ऊपर भागेगा क्योंकि फ्लोट कर रहा है, और जो भारी होगा वो नीचे जाएगा, ठीक है, ध्यान, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा भारी माने डेंसिटी ज़्यादा होगा, समझ गया बात। तो हम लोग अब सिंकिंग में फ्लोटिंग का बता दिए, डेंसिटी को लेके बाद बता दिए, तो और कुछ वैसे बताया जाता है तो बड़े क्लास में बताया जाता है, नहीं बता रहा हूँ अभी फिलहाल। सिंकिंग पॉइंट समझ के अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन बताता हूँ। अब इसमें क्या, फ्लोटेशन कौन करेगा, कौन डूबेगा, उसके बारे में बात किया हुआ है। इट स्टेट्स दैट व्हेन बॉडी फ्लोट्स इन लिक्विड, व्हेन बॉडी फ्लोट्स इन लिक्विड टोटल वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाई इट्स इमर्स पार्ट। अब ये थोड़ा मतलब समझ में नहीं आएगा तुम लोग को, क्या लिखें, छोड़ो इसका, पहले मैं तो और वर्ड समझा दूँ तुम लोग को, बॉइंट फोर्स समझा दूँ, BUOYANT, बॉइंट फोर्स। अब ये क्या होता है फोर्स, ये क्या होता है, देखो जब ना तुम कोई कभी तुम लोग कभी बाल्टी ले लो, बड़ा सा बाल्टी, ठीक है, अब बाल्टी में ना पानी भरा हुआ मान लो, इसमें कुछ कुछ डुबाने की कोशिश करो, हाथ मान लो कोई कोई बाल्टी कोई कोई बाटी, उसमें कुछ वेट होता होगा। अब और ये चीज़ ना, अगर वेट अगर इस पर डाल डाल के रखोगे तो कितना हल्का लग रहा है, या मान लो कोई छोटा सा कोई जग है, जग, हाँ जग में पानी भर लो और उसको वेट कर देखो, करो कितना भारी लग रहा है, उसको पानी में डाल के देखो कितना हल्का हो जाता है। ये हल्का क्यों हो जा रहा है, ये हल्का इसलिए हो जा रहा है क्योंकि जो लिक्विड है ना ये भी एक अपवर्ड फोर्स एक देता है, नीचे से वो ऊपर की तरफ ठेलता है प्रेशर। ये जो अपवर्ड फोर्स है गिवन बाय द लिक्विड, दिस फोर्स इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स, या इस फेनोमेनन कहते हैं बॉयंसी। तुम जानते होगे कि हम लोग जब जाते हैं तुम्हारे इसमें क्या बोलते हैं समुद्र, समुद्र में तो हम लोग फ्लोट कैसे करते हैं, ये फ्लोट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस बॉयंसी, हम लोग को ऊपर ठेलता रहता है, और ये कोई चीज़ हल्का लगता है, हल्का लगता है पानी में, क्यों पानी में हल्का लगता है, इज ऑल बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो नीचे से एक बॉयंट फोर्स देता रहता है, ठीक है, समझ में आ गया बात। तो कोई चीज़ फ्लोट करता है उसको बॉयंसी से समझाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसीलिए समझ लेना बॉयंसी में बहुत जगह अभी यूज़ करने वाला हूँ, बॉयंसी बॉयंसी बॉयंट फोर्स बॉयंट फोर्स, इसीलिए मैं अभी बता देना चाहता हूँ बॉयंसी होता क्या है, ठीक है। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन में कहता है इट स्टेट्स दैट व्हेन बॉडी फ्लोट्स, अगर बॉडी फ्लोट कर रहा है इन लिक्विड दैट मीन्स टोटल वेट ऑफ द बॉडी, अच्छा टोटल वेट का मतलब क्या है, वेट मतलब जो भार है सामान का इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ध्यान रखना जो भार है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, अच्छा या तो ये इक्वल टू द तुम लिख सकते हो बॉयंट फोर्स, ये ना लिख के डायरेक्ट लिखो इज इक्वल टू द बॉयंट फोर्स। तो फ्लोट चीज करेगा तभी जब ऊपर से इतना फोर्स आ रहा है, नीचे से उतना ही फोर्स आ रहा है, तभी ना वो वहीं का वहीं रहेगा, है कि नहीं। अगर मान लो ऊपर से जो फोर्स आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं वेट, वो ज्यादा है, और नीचे से जो धक्का मार रहा है ना बहुत कम धक्का मार रहा है, तो ये तो जाएगा, ये डूब जाएगा कि नहीं जाएगा। अब अगर नीचे वाला ही फोर्स बहुत ज्यादा तकड़ा है, ठीक है, ऊपर वाला फोर्स जिसको कहते हैं वेट वो कम हो, तो ये पूरा पूरी अच्छे से फ्लोट करेगा, बड़ा ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगर जब दोनों इक्वल इक्वल हो, मैंने ये जितना ऊपर से उतने इतने से उतना ही है,
तो ये फ्लोट करेगा तो पूरा पूरा डूबा हुआ फ्लोट करेगा। डूबा हुआ समझ रहे हो, देखो दिखा रहा हूँ 3 टके, एक केज में पानी यहाँ तक है, ये पूरा पूरा पूरी फ्लोट कर रहा है, देखो पूरा ऊपर भी फ्लोट कर रहा है, और एक फ्लोट कर रहा है ऐसा फ्लोट, देखो पानी ये लेवल रहा, ये यहाँ घुस गया, तो ये फ्लोट ही कर रहा है, ध्यान रखना फ्लोट कर रहा है पर डूबा हुआ फ्लोट कर रहा है, एक तो पूरा डूब गया नीचे में आ गया। तो अगर बॉयंट फोर्स ज़्यादा होगा देन द वेट ऑफ द बॉडी, अच्छा वेट ऑफ द बॉडी हमेशा नीचे की तरफ ठेलता रहता है और बॉयंट फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ ठेलता रहता है, तुम लोग समझ गए ना बॉयंट फोर्स क्या होता है। तो नीचे से जो फोर्स अगर ज़्यादा है इस केस में तो ये पूरा बॉडी ऊपर की तरफ रहेगा, अगर वेट ज़्यादा है और बॉयंट फोर्स बहुत कम है तो वो जो है डूब ही जाएगा, सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर जितना ये है उतना ही ये भी है सेम सेम, तो बॉडी फ्लोट करेगा इसके इस ऐसे पोजिशन में फ्लोट करेगा, ठीक है सबमर्ज रहेगा पूरा बॉडी। तो यही बात बताना चाहता हूँ, तो लॉ ऑफ लिक्विड इस चीज में, व्हेन बॉडी फ्लोट्स, अगर बॉडी फ्लोट कर रहा है इन लिक्विड, टोटल वेट ऑफ द बॉडी, जितना वेट था बॉडी का, इज इक्वल टू द, तुम कह सकते हो बॉयंट फोर्स, या फिर कह सकते हो द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट्स इमर्स्ड पार्ट, जितना पार्ट डूबा है उसमें जितना पानी डिस्प्लेस हुआ होगा, डिस्प्ले समझ रहे हो ना, हम लोग जब हीरो का कैन कहते ना कुछ डुबाते थे तो निकलता था पानी, जितना पानी निकला उस पानी का ही हिसाब से जब वेट होगा दोनों का सेम होगा, मतलब जितना इसका वेट है उतना ही अगर लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा, यही बात बता रहा है यहाँ पर। देखो क्या बोल रहा है कि वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू द लिक्विड डिस्प्लेस, कितना पानी निकला, अगर ये दोनों सेम होगा, अगर ये दोनों सेम सेम है तो बॉडी फ्लोट करता है। अब बोलो कि सही, तो हमेशा सेम सेम ही होता है, नहीं सेम सेम हमेशा नहीं होता, मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्लोटेशन कब करेगा, अगर वेट ऑफ द बॉडी जितना होगा इज इक्वल टू द जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, मैंने लिक्विड जितना डूबा है, डूबा नहीं लिक्विड जितना बाहर निकला है बाय द इमर्स पार्ट। अच्छा इमर्स पार्ट का मतलब क्या है, अब देखो मान लो बहुत बड़ा सा चीज़ था, तुम उसमें ना थोड़ा सा चीज़, इतना बड़ा सा ब्लॉक था उसमें थोड़ा सा डुबाया हो, तो थोड़ा सा डूबा होगा तो थोड़ा सा पानी निकलेगा, पूरा डूबा होगा तो पूरा पार्ट निकलेगा। इसीलिए याद रखना इमर्स्ड पार्ट लिखना बहुत जरूरी, इमर्स्ड पार्ट कितना इमर्स हुआ है वो बात जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हम लोग लॉ, मैं देखो इसको बहुत टाइम ले रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रोटेशन क्या हुआ, हम क्या समझे कि वेट ऑफ द बॉडी जितना है, मैंने समझ गया ना, वेट वेट ऑफ द बॉडी शुड बी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, या तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस लिखो या फिर क्या लिख सकते हो यहाँ पे बॉयंट फोर्स लिख सकते हो, ठीक है। तो वेट ऑफ द बॉडी अगर इक्वल टू वेट ऑफ द इक्वल टू द बॉयंट फोर्स, अगर दोनों इक्वल है तो बॉडी फ्लोट करेगा डूबा हुआ ही, ऐसे ऐसे टाइप का डूबा हुआ मैंने, ठीक है समझ ही रहेगा पर वो फ्लोट करेगा, इसे कहते हैं लॉ ऑफ रोटेशन, ये वाला बात। तो यहाँ लिखा हुआ जिस बुक में जैसे लिखा हुआ वैसे लिखा हुआ, तुम्हारा मन करे तो यहाँ बॉयंट फोर्स लगा सकते हो, ठीक है। या वेट ऑफ द बॉडी इज वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द इमर्स पार्ट, ये भी लिख सकते हो, ये समझ गए ना बात। अब मैं बात करता हूँ कि तुम लोग बोल रहे थे ना कि कौन सा ब्लड बॉडी सर फ्लोट करेगा, अगर देखो ये जो बॉडी है इसका जितना वेट होगा, जनरली इसका जितना वेट होगा उतना ही पानी ये डुबा, जैसे डुबाओगे ये निकलेगा, ठीक है बात सही है। चलिए कभी कभार क्या होता है, तुमसे ध्यान नहीं दिए होगे, चलो मैं एक काम करता हूँ, एक बार पत्थर लेता हूँ, सेम साइज का पत्थर लेता हूँ और सेम साइज का लकड़ी लेता हूँ, समझ रहे हो, ये स्टोन है ये वुड है, दोनों को डुबाया हूँ तो दोनों को डुबाऊंगा ना, दोनों का इक्वल पानी निकलेगा, पक्का बात है, क्योंकि पानी जो निकलता है जो डिस्प्लेस जो होता है वाटर, वो डिपेंड करता है उसका साइज पे, यानी कि वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कितना पानी निकलेगा, तो दोनों का इक्वल वॉल्यूम में इक्वल अमाउंट निकलेगा। लेकिन यहाँ जो निकला है पानी उसका वेट, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर ये जो पानी निकला इसका वेट ज़्यादा हुआ, ठीक है, देन एनी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, जैसे इस केस में वुड का ले लो, वुड का वजन मापो एक बार बीम बैलेंस में, और इसका वजन जो पानी निकला उसका वजन मापो, देखो इसका इसका वजन ज़्यादा हो, ये वुड हल्का कम है तो ये बॉडी फ्लोट करेगा। और अगर ऐसा देखा गया कि ये जो पानी निकला उससे ज़्यादा भार इसी चीज़ का है, ये डूब जाएगा, तो तुम लोग कौन सा चीज़ डूबेगा या फ्लोट करेगा इस वजह से बता सकते हो, या फिर डेंसिटी लेकर बता सकते हो। डेंसिटी मतलब अगर सामान का डेंसिटी ज़्यादा है देन द लिक्विड का डेंसिटी, तो डूबेगा, हम जैसे बता दिए थे, ठीक है वैसे बता सकते हो, या फिर ये लिक्विड डिस्प्लेस करके जो बात बताया जा रहा है वैसे ही बताया जा सकता है, तुम लोग कह सकते हो। और याद रखना लिक्विड जितना डिस्प्लेस हुआ दैट इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लास नेक्स्ट क्लास में भी आएगा, तुम लोग का नेक्स्ट क्लास 9 में जाओगे
उस क्लास में, लेकिन बॉन्ड फोर्स नहीं कहोगे उसमें, पूरा ऐसे ही कहना पड़ेगा तुम लोग को, वेट द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द इमर्स, ऐसे ही बोलना पड़ेगा, इसलिए याद कर सकते तो अच्छा है। अच्छा अब बात करते हैं, जब ये पूरा जो फ्लोटिंग अवस्था में रहता है, फ्लोटिंग मैं इसको कह रहा हूँ, इसको इस केस को, मैं हल्का डूबा हुआ है फ्लोट कर रहा है, इस टाइम में अपेरेंट वेट, अपेरेंट मतलब ट्रू वेट नहीं, ट्रू वेट का बात नहीं कर रहा हूँ, अपेरेंट वेट मतलब नकली वेट, नकली वेट क्यों, मतलब जो जग में हाथ में लिया था तो उसका वेट कुछ था 10 किलो, लेकिन जब पानी में डाल दिया ना उसका कुछ वेट कम गया, तो 6 किलो लग रहा है। तो 6 किलो क्यों लग रहा है, क्योंकि उसमें नीचे से ना पानी भी कुछ फोर्स दिया था, बॉयल फोर्स, इसलिए उसका वेट थोड़ा कम गया। ना ये जो 6 किलो होगा उसको हम लोग ट्रू वेट नहीं कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे अपरेंट वेट। अपरेंट वेट समझ में आ गया, किसे कहते हैं, मैंने नकली वेट से बोल सकते हो, ठीक है। तो इस केस में ऐसा जो डूबा हुआ है, इस केस में अपरेंट वेट जो होता है फ्लोटिंग बॉडी का वो 0 होता है, याद रखना, ठीक है। और एक बात बताना चाहूँगा, याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था, ये 0 होता है। और एक बात है, जितना ज़्यादा डेंस होगा लिक्विड उतना ज़्यादा वो बॉयंट फोर्स डालेगा, ठीक है, याद रखना। जैसे मान लो पतला दाल ले लो, गाढ़ा दाल ले लो, पतला दाल ज़्यादा डेंस नहीं है तो वो ज़्यादा बॉयंसी नहीं फेंकेगा, और जो गाढ़ा दाल है बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, बहुत ढेर उसके मॉलिक्यूल, तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रहेगा लिक्विड में उतना ज़्यादा वो ठेलेगा फोर्स नीचे से, ठीक है। अब मान लो एक वही दाल का बेस्ट एग्जांपल, पतला दाल है तो कम मॉलिक्यूल से तो कम फैलेगा, और गाढ़ा दाल है मॉलिक्यूल चुस चुस के भरा हुआ तो ज़्यादा ज़्यादा वो बॉयंसी फेंकेगा, समझ गए बात। तो जितना मोर डेंस होगा उतना ज़्यादा बॉयंसी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के बारे में, इसमें दो बात इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता चुका हूँ ये सब बात, सब फिर भी तुम लोग एक बार बता रहा हूँ, ये अब तुम लोग को ईजी लगेगा, इसके बाद जो ये टॉपिक नहीं भी सुनोगे तो भी चल जाएगा, पर ये टॉपिक सुनना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा क्वेश्चन आता ही आता है परीक्षा में, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ रोटेशन, अगर कुछ छूट जाए तो मेरे को माफ़ करना, कुछ और टॉपिक छूट गया, क्योंकि मेरे को जो पेजेस भेजा गया मैं उसी के बारे में बनाया हूँ, मेरे को लग रहा था मेरा 3-4 पेज से गायब था, पता नहीं शायद वो एक्सपेरिमेंट रहा होगा या कुछ सम्स रहा होगा इसीलिए वो नहीं भेजी है या कुछ पता नहीं मेरे को, पर ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में क्या, हमेशा देखना दो फोर्स ऐड करता है, मैं पहले बता चुका हूँ फिर से बता रहा हूँ, हमेशा फ्लोटेशन का केस में हमेशा देखना दो फोर्सेज का बात हमेशा जिक्र होगा, एक तो जो ऊपर की तरफ से आ रहा है जिसे हम लोग कहते हैं वेट ऑफ द बॉडी, हाँ वेट ऑफ द बॉडी हमें से क्या करेगा, वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा ना, अब इतना लाइट क्यों आ रहा है, तो वेट ऑफ द बॉडी हमें से क्या नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और एक और फोर्स है जो उसको ठेल रहा है, कौन ठेल रहा है, ये नीचे से जो फोर्स ठेल रहा है उसे कहते हैं बॉयंट फोर्स। तो दो फोर्सेज ऑलवेज एक्ट, एक है वेट ऑफ द बॉडी विच एक्ट ऑलवेज डाउनवर्ड एंड द बॉयंट फोर्स विच एक्ट अपवर्ड, ठीक है, ये दोनों फोर्स हमें एक्ट करता है। अब अगर बात करो, अगर वेट ये जो था यही वाला इसी का ले लेते हैं, ये जो था लो बर्तन में था, अगर वेट ज़्यादा हो गया बहुत ज़्यादा देन द बॉयंट फोर्स तो क्या होगा, क्या होगा, कॉमन सेंस का बात करिए, ये डूब जाएगा, बॉयंट फोर्स संभाल नहीं पा रहा, डूब डूब डूब। तो देखो हम लोग वेट करके बात कर सकते हैं, वेट एंड बॉयंट फोर्स लेके बात कर सकते हैं, या डेंसिटी को लेके बात कर सकते हैं, बहुत वे से बोला जा सकता है ये डूबेगा कि नहीं होगा, बहुत वे से। तो कभी अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि दिस बॉडी विल फ्लोट और सिंक, तो उसको 2-3 वे से बोलना, जैसे वी नो द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड सो इट विल सिंक, एक हो गया। मोर ओवर, मोर ओवर मैं एक और रीजन दे रहा हूँ मैं, मोर ओवर वी नो दैट वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड्स इज मोर देन द बॉयंट फोर्स ऑफ द लिक्विड सो इट इज सिंकिंग डाउन, समझ गए। तो मोर ओवर मैंने एक तो और भी रीजन में मैं जोर दे रहा हूँ, ये भी हो सकता है, बहुत ये भी ले लिखता है, लिक्विड डिस्प्लेस वाला बात भी लिखता है, ठीक है, लिखता है कि वेट ऑफ द बॉडी इज मोर देन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द इमर्स पार्ट। ये नहीं समझ में आ रहा, टेंशन मत लो, छोड़ दो, जो समझ में आया वही के लिखना, ये समझ जाओगे तो बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। तो इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज मोर देन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस देन इट सिंक, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग वही बात करने वाले हैं कि कौन सा बॉडी सिंक करेगा, अगर ये जो बॉडी है इसका वेट ज़्यादा है देन द बॉयंट फोर्स सिंक करेगा, फ्लोट कैसे करेगा, फ्लोट मैंने ऊपर उठा हुआ है, तो अगर बॉयंट फोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है और वेट बहुत ही कम है, तो ये आराम से फ्लोट करेगा, ऐसा 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 फ्लोट करेगा, ऐसा फ्लोट, ठीक है, पूरा ऊपर ऊपर है, लेकिन अगर दोनों सेम है, जितना वेट है उतने बॉयंट फोर्स है, सेम 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 सेम, तो ये फ्लोट करेगा पर ये सबमर्ज रहेगा, ठीक है, डूबा हुआ रहेगा। तो ये तीनों केसेस हैं, यहाँ पर लिखा हूँ मैं बी एफ, बी एफ मैंने बॉयफ्रेंड नहीं, बी एफ मैंने बॉयंट फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, हंसने का जरूर नहीं है, बॉयंट फोर्स, ठीक है, जो लोग गलत सोच रख रहे हैं वो लोग उल्टा पुल्टा सोच रहे होंगे, बी एफ मैंने बॉयंट फोर्स, अगर बॉयंट फोर्स लेस है इसका मतलब जिसके तरह मुंह खुला वो बड़ा है, ठीक है, अगर बॉयंट फोर्स लेस है देन कौन सा वेट ऑफ द बॉडी, मैं डब्ल्यू मैंने वेट, देन इट विल सिंक, ठीक है।
डेंसिटी के लेके मैं बात कर चुका हूँ कि डेंसिटी अगर तुम्हारा लिक्विड का कम होगा देन द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, तुम जानते हो क्या होगा, तब समझ रहे हो ना, डेंसिटी इसका ज़्यादा होगा तो डूब जाएगा, ऐसे ही बता सकते हो। दूसरा केस है अगर बॉयंट फोर्स ज़्यादा है, बॉयंट बहुत ज़्यादा है, देन द वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द सब्सटेंस, तब तो ये तो आराम से फ्लोट करेगा, ऐसा केस में फ्लोट करेगा। इसको डेंसिटी बता सकते हो कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड बहुत ज़्यादा है कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, ठीक है, आराम से फ्लोट करेगा। तीसरा बात है कि अगर बॉयंट फोर्स जो है अगर इक्वल है टू द वेट ऑफ द बॉडी, इट विल फ्लोट, और कैसे फ्लोट करेगा, पूरा ऐसे वाला टाइप का फ्लोट करेगा इनसाइड द लिक्विड सर्फेस, ठीक है। इस केस में डेंसिटी बता सकते हो, दोनों का डेंसिटी सेम सेम है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में सारा आ गया, मैं एप्लीकेशन प्रोफेशनल में नेक्स्ट दिन बता रहा हूँ, फिलहाल के लिए क्वेश्चन लिखो जल्दी से। क्वेश्चन लिखना है व्हाट इज हाइड्रोमीटर, व्हाट इज लैक्टोमीटर, आफ्टर दैट राइट व्हाट इज बॉयंट फोर्स, हाउ कैन अ बॉडी सिंक एंड फ्लोट, राइट योर आंसर रिलेटेड टू डेंसिटी, यहाँ पर डेंसिटी को लेकर लिखना है, ठीक है। उसके बाद राइट द लॉ ऑफ रोटेशन, देखो लॉ ऑफ रोटेशन ये लिख सकते हो, पर ये लिखो ना लिखो ये लिखना जरूरी है, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द लिक्विड स्पेस, ठीक है। और जब लिखना कभी कभी डायग्राम भी दिखा देना, तुम लोग को ईजी पड़ेगा। इन केस ऑफ लॉ ऑफ रोटेशन, वॉट इज द अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट इज ऑलवेज डैश, मोर डेंस लिक्विड, मोर इज द डैश, ये भी सब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। टू फैक्टर्स ऑन विच फ्लोटेशन डिपेंड्स, ठीक है। उसके बाद व्हेन विल अ बॉडी फ्लोट, व्हेन विल अ बॉडी क्या बोलते हैं उसको सिंक, ये सब बात बात किन तो केस है तुम्हें लिखना पड़ेगा, विथ हेल्प ऑफ बॉयंट फोर्स एंड वेट, एंड विथ ऑल्सो हेल्प विथ द डेंसिटी, डेंसिटी को लेकर बताना है, बॉयंट फोर्स आप वेट को लेकर बताना, ठीक है। यहाँ से लिख के भेजो, दैट्स ऑल, टेक केयर, गुड बाय।